विकास के दावे को मुंह चुलाता नजर आ रहा बलरामपुर जिले का बसंतपुर ग्राम पंचायत। यहाँ पर एक बस्ती के लोग आज भी खेत में बने छोटे से ढोडी के पानी पर आश्रित हैं। वहीं सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बीते 4 सालों से यहाँ आंगनवाड़ी संचालित है और यहाँ के बच्चे भी इसी के पानी के भरोसे हैं। देखिए दिनेश आयम की एक खास रिपोर्ट। दरअसल जिले के ब्लॉक मुख्यालय वांड्रफ नगर के ग्राम पंचायत बसंतपुर में एक बस्ती का हाल यह है कि यहाँ के लोगों को पीने का पानी खेत में बने छोटे से कुएं से पीना पड़ता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढोडी कहते हैं। बीते 4 वर्षों से यहाँ एक आंगनवाड़ी संचालित हो रही है, उस आंगनवाड़ी के बच्चे भी इसी का पानी पी रहे हैं। स्थानीय लोग बस्ती के लोगों की मजबूरी का फायदा ले रहे हैं। बस्ती की महिलाओं ने बताया कि साफ सुथरे पानी के इंतजाम के लिए वे बतौर घूस भी दे चुके हैं, फिर भी उनके हिस्से का नल नहीं मिला। जनता और प्रशासन के बीच दलालों ने उनकी मजबूरी का फायदा तो उठा लिया, लेकिन इस बस्ती के लोगों पर और इन मासूम बच्चों पर न प्रशासन की नजर पड़ी और न ही दलालों ने इन पर तरस खाया। बस्ती में जब मीडिया के लोग पहुंचे तो उनकी समस्याओं का अंबार लगा हो ऐसा प्रतीत हुआ। जिला ODF तो घोषित हो गया मगर यहाँ शौचालय का ढांचा मात्र खड़ा है। वहीं अपने मवेशियों को खुरहा चपका रोग से बचाने के लिए पशु विभाग के कर्मचारी टीका लगाने के लिए प्रत्येक टीके के लिए उनसे 10 रुपए लेते हैं। ये बस्ती ग्राम पंचायत बसंतपुर के महुवारी पारा में आती है। इस रास्ते से आप लमोरी मोरकोट निकल जाएंगे, पर इस पारे में 50 घर होंगे लेकिन 1 किलोमीटर तक एक भी नल नहीं दिखाई देगा। अब चुनाव सामने है और यहाँ चुनाव के प्रचार के लिए अभी राजनीतिक दल का आना होगा। बस्ती की जनता कैसे इन राजनीतिक दलों को सम्मान से बिठाएगी, जबकि उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना का ढांचा मात्र पाया है, जबकि उन्होंने शुल्क देने के बाद भी पीने लायक पानी नहीं पाया, उनके बच्चे नाले के ढूंढी से पानी पी रहे हैं। जब से घर बना है तब से पिए हैं। तो आप लोग सरपंच से कभी नहीं बोले कि हम लोग सरपंच से कितने प्रचार चला है लेकिन सरपंच सुनवे नहीं करते हैं तो क्या करें? क्या बोलते हैं सरपंच? घूस भी दे दिए हैं, टंकी के नाम से 1000 घूस दिए हैं देवपांडे और जोगेश्वर लिए, उन लोग लिए हैं कि हम लोग यहाँ बनवा देंगे। क्या मतलब हैंडपम्प बनवाएंगे? हाँ, हैंडपम्प बनवा देंगे यहाँ। हमको घूस चाहिए, कहीं कुछ भी काम करते हैं तो फ्री का थोड़े होता है। ये बोल के लिए जी, ये कहाँ ले जा रही है? आंगनबाड़ी बच्चों के लिए ले जा रहे हैं सर। ये आप कुएं से ले जा रही है? ढोड़ी बोलते हैं इसको जी, से ले जा रही है पानी। बच्चों के लिए ठीक है पानी? बच्चे के लिए तो नहीं है ठीक सर, सर बाकी क्या कीजिएगा, साधन नहीं है, अभी नल व्यवस्था नहीं हुआ है, इसलिए तो लेजबे करते हैं, मजबूरी है लेजना, नहीं लेजेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर सभी लोग, आप लोग जितने भी हैं, सब ढोड़ी का पानी पी रहे हैं? हाँ, सब कोई ढोड़ी का पानी पीते हैं सर। इसकी शिकायत सरपंच वगैरह से पहले किए हैं आप लोग? भाई हम तो भाई नहीं बोले हैं, बाकी और लोग भाई इस पर आखा, मेरा घर क्योंकि दूरिया पड़ता है, बोले हैं बाकी है। हम एक बार बोले थे ऐसा सरपंच के पास तो बोले नहीं हो जाएगा व्यवस्था, अभी थोड़ा लेट हो लग रहा है, करेंगे व्यवस्था सर। वहीं संबंध में जनपद CEO वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि यह PHE विभाग का काम है। आप मीडिया के लोगों के द्वारा पता चला है और संबंधित विभागीय अधिकारी से चर्चा की है और स्वयं वहां जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। आंगनवाड़ी में हैंडपम्प जहाँ खोदा जाता है उसके लिए PHE विभाग के द्वारा से खोदा जाता है, और जैसे आपके द्वारा ज्ञात हुआ है आज PHE से बातचीत हुआ है, वो बताए हैं कि वहाँ पर खोद दिया जाएगा, और अभी थोड़ी देर बाद हमको बसंतपुर में कुछ और भी काम है तो जाके वहाँ देख भी लेंगे। सदियाँ बीत गई और इस सदी में सरकार के कार्यकाल के यहाँ 5 वर्ष भी जुड़ गए। संवेदनशील सरकार के दावे में कहीं यह काला दाग न रह जाए, प्रशासन की चूक का खामियाजा सरकार को ना झेलना पड़े, क्योंकि जिस विधानसभा की बात है उस विधानसभा से सरकार में राम सेवक पेकरा PHE मंत्री हैं और गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.